और बगीचा गोंदिया में विधान परिषद सदस्य परिणय फूकी की निधि से मंजूर अनुमानित लागत रुपए 30 लाख रुपए का आरओ प्लांट का बांध काम किया गया, जिसका पेमेंट ठेकेदार को हो चुका है। लेकिन यहां के स्थानीय नागरिक एवं जगह पर जाकर हमने निरीक्षण किया तब पता चला कि आरओ प्लांट के नाम पर यहां ठेके द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की गई है। यह आरओ प्लांट खनापूर्ति के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो पुरानी बोरवेल थी उसमें समरसिबल पंप लगाकर सिर्फ पानी का कनेक्शन चालू कर दिया गया और आरओ प्लांट का शुद्ध पेयजल स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस कार्य की शासन द्वारा जांच की जानी चाहिए और भ्रष्ट ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गोंदिया शहर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ठेकेदार और शासकीय अधिकारी मिलकर गोंदिया की जनता को लूट रहे हैं। बीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से भविष्य में हम बहुत सारे भ्रष्टाचारों को सामने लाने वाले हैं। विधान परिषद सदस्य परिणय फूके इनकी निधि से गोंदिया में ठेकेदार ने जो काम लिए है उसमें भारी गड़बड़ी है। आप जो मेरे पीछे पानी टंकी देख रहे हैं, लगभग इसका 30 लाख रुपए निधि से काम हुआ है। पिछले 6 महीनों से बन के तैयार है लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को आरओ का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। सिर्फ पुरानी बोरवेल में एक समरसिबल पंप लगा दिया गया, ऊपर एक टाकी लगा दी गई है जिसमें बोरवेल का पानी लोगों को मिल रहा है। आइए हम यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं इसके बारे में। क्या आपका नाम? दुर्गा पाटिल। ये पानी टंकी जो बनाई गई है आरओ प्लांट, ये कितना दिन हुआ है यहाँ पे बनी? अभी छह महीने हुए हैं। पाइपलाइन तो चालू होने की है, अभी कंप्लीट होने को है। नहीं तो यहाँ पे आरओ प्लांट चालू हुआ है? नहीं हुआ है ना। आपका उद्घाटन भी होने को छह समय सिर्फ पाइपलाइन यहाँ से उधर तक गई है बट काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम उनका इनकम्प्लीट है इसलिए उद्घाटन भी नहीं हुआ है तो पानी कुछ मिला नहीं। पर पानी यहाँ भरपूर है, ऐसे बोरवेल का पानी हम लोग पानी भरपूर है, हमको पानी का कर दिए सुविधा। तो बोरवेल में आपको समरसिबल पंप लगा दिए लेकिन यहाँ पे आरओ प्लांट के नाम से 30 लाख रुपए का काम हुआ है, उसका पानी आपको मिल रहेगा आरओ का पानी पीने के लिए? तो मिलेगा लेकिन अभी मिल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल में चालू होने को है तो मिलना पड़ता है। इसमें का कारण ये है कि इस निधि के पैसे ठेकेदार ने ले चुका है तो उस हिसाब से आपको आरओ का पानी मिलना चाहिए, तो अभी आरओ का पानी आपको नहीं मिल रहा। नहीं, और इसके अलावा कुछ तकलीफ है? नहीं सर, हमको तो फुल फिल अप कर रहे हैं, हमारे मेंबर लोग सब बहुत सुविधा दे रहे हैं, बहुत हमारा सब काम चालू ही रहा, रोड भी अभी बन ही रहा। ठीक है, आइए देखते हैं ये आरओ प्लांट में इतनी सारी मशीनें लगी हुई है लेकिन एक भी मशीन चालू नहीं है, किसी को भी आरओ प्लांट का पानी नहीं मिल रहा। यहाँ मशीनें जो है बंद पड़ी हुई है। बीसीएन न्यूज चैनल के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।